दिल्ली में केंद्र सरकार के गठन की कवायद तेज है। आज पूरे दिन गहमा गहमी रहने वाली है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है, दिल्ली में गहमा गहमी है, केंद्र में नई सरकार बनाने की कवायद तेज है, पीएम मोदी फिर से एक बार पीएम बनने जा रहे हैं और 9 तारीख को वो फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार तस्वीर काफी अलग होगी, जो सहयोगी हैं वो काफी मजबूत हुए हैं। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी किंग मेकर की भूमिका में है, चिराग पासवान भी 5 के 5 सीटें जीतकर जो 100% का स्ट्राइक लेकर एक बड़ी भूमिका में है। वैसे में बिहार की बड़ी भूमिका दिख रही है। चिराग पासवान ने अपने सांसदों के साथ बैठक की और बैठक में उन्हें अपनी पार्टी का यानी एलजेपी आर जो है उसके संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। चिराग पासवान की ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं दिल्ली से, आप देख सकते हैं उनके जो सांसद हैं, जो 5 सांसद हैं, कुछ चिराग पासवान को मिलाकर 5 सांसद हैं, उन्होंने बैठक की और बैठक के बाद उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। तो चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है बैठक के बाद, आप पहले ये सुन लीजिए। एनडीए मजबूती से खड़ा है और आज अपने तमाम सांसदों के साथ तमाम घटक दल यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको नेता चुनने के लिए। महज एक औपचारिकता है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव ये लड़ा गया, उन्हीं के नेतृत्व की ये जीत है, तो ऐसे में आज बस उनको ये औपचारिकता पूरी कर दे देंगे। आपके बिल्कुल आज संभवतः महामहिम जी से भी मुलाकात होगी और उसमें संसदीय दल के नेता चुनेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए? बड़ी जिम्मेदारी है ये बिल्कुल, और पार्टी के तमाम सांसदों का धन्यवाद कि उन्होंने मुझ पर ये विश्वास जताया। 400+ का आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 2029 में करेंगे। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से सरकार चलेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हम सबने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में यह सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद सदन में इकट्ठे होंगे और इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा। जल्द ही नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों से चल रही है। तो चिराग पासवान ने अपनी पूरी आस्था जताई पीएम मोदी में और साफ कह दिया कि जैसे 10 साल से सरकार चल रही थी वैसे अगले 5 साल भी सरकार आराम से चलेगी। दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, सीएम नीतीश कुमार ने सांसदों के साथ बैठक की। सीएम नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने दिल्ली आवास पर बैठक की। तमाम जो उनके सांसद हैं, जो 12 नए सांसद चुने गए हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की है और बैठक की तस्वीर सामने आई है। और बैठक के बाद जो तमाम सांसदों के साथ नीतीश कुमार एनडीए की बैठक के लिए, जो एनडीए की बैठक है जिसमें पीएम मोदी को फिर से दोबारा एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा, उस बैठक के लिए रवाना हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हाँ, हम लोग समर्थन सब कर दिए हैं, सारे माननीय सांसद लोग, हाँ, अधिकृत कर दिए हमारे नेता को, हाँ, जा रहे हैं अभी हम लोग। जो निर्णय लेंगे हम लोग सहमत हैं। ठीक है, अभी संसदीय दल के नेता सभी चुना गया है। और समर्थन का जो पत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी दिए हैं, फिर लेके जाएंगे। अभी सभी सांसद जितने हैं 10 लोकसभा के, सभी यहाँ सभी लोग उपस्थित थे राज्यसभा के, अभी नेता उतार दिए। आपके साथ क्या बातचीत हुई सर? अरे ये जेडीयू का संसदीय दल की बैठक थी जिसमें ये जो हम लोग अधिकृत किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो जो संसदीय दल का नेता कौन होंगे ये सारे चीज को अधिकृत कर दिया गया है। और हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का नाम हम लोग प्रस्तावित करने जा रहे हैं, उसे सपोर्ट देने जा रहे हैं, एनडीए मजबूत सरकार बनाए। किसी तरह सीट आप लोग ले रहे हैं सर? मंत्रिमंडल ये सब चर्चा, किसी तरह की शर्त की भी बात की गई? कोई शर्त भी है सर? आप कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं हमारे साथ। और क्या क्या बातचीत हुई है सर?
कोई डिसीजन कोई बैठक नहीं थी, सिर्फ यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ से सेंट्रल हॉल में जा रहे हैं लोकसभा में, वहाँ जो भी मीटिंग होगा जो भी बातें हैं वहीं पर। 12 सांसद उपस्थित थे। हाँ, पूरे 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 सबके सब। रेलवे को लेकर मांगे रेलवे मंत्रालय को, उसमें क्या कहेंगे? नहीं, किसी ने नहीं मांग की है रेलवे की, किसने कहा रेलवे में, ये सब आप लोगों का उपज रहता है, किसी ने कोई मांग नहीं की। सर सर 12 सांसदों का समर्थन पत्र। तो बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस बार सीएम नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। यूं कहें कि जिस तरह से जो आंकड़े आए सामने, जो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, अगर यूं कहें कि बीजेपी ने अपने बूते पर बहुमत नहीं पाया, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एनडीए ने बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा हासिल किया है, वैसे में सहयोगी दलों की बड़ी भूमिका है, नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है। माना यह जा रहा है कि बिहार के जिम्मे फिर से एक बार रेल मंत्रालय आने वाला है। नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सारे काम किए हैं बिहार के लिए, और माना यह जा रहा है कि ललन सिंह देश के अगले रेल मंत्री बन सकते हैं, ये कवायद है। उधर चिराग पासवान को भी बड़ा मंत्रालय मिलने की उम्मीद है और जीतन राम मांझी भी मंत्री बनने जा रहे हैं, ये भी तय है। तो ऐसी स्थिति में जो है तमाम कवायदें की जा रही हैं दिल्ली में पीएम मोदी को फिर से देश का नया पीएम बनाने के लिए, नई सरकार के गठन के लिए कवायद तेज है और तमाम गतिविधियां जो हैं आपको हम दिखा रहे थे। और अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाना है और उसके बाद सरकार का दावा पेश किया जाना है, यानी नई सरकार का दावा पेश होगा। और जो आंकड़े हैं, जो बहुमत के आंकड़ों से काफी ज्यादा हैं, तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, फिर से नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने जा रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।